हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। अब ये कॉलेज आप लोग समझ सकते हैं GGSIPU से एफिलेटेड और GGSIPU का एक कॉलेज है एंड काफी पॉपुलर है दिल्ली में। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए भारतीय विद्यापीठ एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस मानी जाएगी। अब वो कैसे मानी जाएगी, क्या इनके फीस स्ट्रक्चर है एंड इवन आपका एडमिशन अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा तो आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डायरेक्ट एडमिशन का भी बताऊंगा एंड इस कॉलेज की सारी प्रोसेस भी बताऊंगा। बेसिकली एडमिशन प्रोसेस और आपका प्लेसमेंट, आपके रिव्यू सारा इस वीडियो में कवर होने वाला। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली का, जैसा कि मैंने आपको बताया एंड काफी पॉपुलर है। इसके आसपास के एरिया में भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। आईपीयू के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, आप लोगों ने लिस्ट भी देखी होगी, इसमें इसका नाम थर्ड फोर्थ नंबर पर आ जाता है। काफी पॉपुलर है एंड अगर बात करूँ उसकी लोकेशन की तो पश्चिम विहार न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है एंड इसी के साथ साथ ही 1999 में इस्टैब्लिश हुआ था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बट वेरी ग्रैंड एंड वेरी बेस्ट है, ठीक है। एंड इसके अलावा कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है वो मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको PG UG दोनों ही कोर्सेज हो जाएंगे। मतलब शुद्ध हिंदी में बताऊँ तो BTech MTech भी आप यहाँ से कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। एंड हम इंजीनियरिंग के बारे में बातें करने वाले हैं तो बस इसी पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। अब एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो JEE मेन या फिर IPCU8 इनका खुद का एग्जाम है, IP यूनिवर्सिटी का इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, इसके थ्रू भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है, वो है कि इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसको फॉर्म फिल करना, इसका टेस्ट देना। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन बचता है JEE मेन। अब JEE मेन में आपकी अच्छी खासी परसेंटाइल नहीं आई होती जिसके थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए, तो ये सारी कारण हो जाते हैं कि आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आपका डायरेक्ट एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये कॉलेज GGSIPU से एफिलेटेड है एंड AICTE से अप्रूव्ड है, तो कोई परेशानी वाली बात होने नहीं वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम BTech के बारे में बात करते हैं, BTech का होल स्ट्रक्चर है क्या, फीस स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल, ठीक है। और इसके बाद हम बताते हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे कैसे हो सकता है। BTech यहाँ पे आपका 4 साल की ड्यूरेशन का कोर्स है। एलिजिबिलिटी आपको PCM में +2 में 60% से अब मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अब स्पेशलाइजेशन में आपको अगर बताऊँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, उसकी टोटल सीट है 180 एंड कंप्यूटर साइंस की शिफ्ट 1 में आपकी यहाँ पे होगी। अच्छा, ये को जो कॉलेज है वो शिफ्ट वाइज चलता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस की जो टोटल सीट है यहाँ पे वो है 120 एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आपकी जो टोटल सीट है वो है 60। तो ये यहाँ की कुछ टॉप मोस्ट स्ट्रीम्स हैं जिनकी मैंने टोटल सीट भी आपको बताई, इतनी अवेलेबल है, आपका एडमिशन हो सकता है। एंड टोटल फीस की बताऊँ इस कॉलेज की, पर ईयर 1.25 लाख आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। अब इस फीस का मतलब ये टोटल नहीं है आपकी टोटल फीस, जैसे अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो देखो एडमिशन जो फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी एंड इसके अलावा सिक्योरिटी फीस, इसके अलावा आपको मिसलेनियस चार्जेस भी होते हैं कुछ, वो भी पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आप हॉस्टल चूज करते हैं तो हॉस्टल भी आपको जो फीस है उनका पैकेज है वो अलग से देना पड़ता है। बट जो 1.25 लाख इससे आप अपना अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी टोटल फीस कितनी होने वाली है। तो ये तो हो गई आपकी टोटल फीस। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन के बारे में कि भैया स्ट्रीम तो आपने बता दी, हमें CSE चाहिए, हमें IT चाहिए, तो अब एडमिशन कैसे हो पाएगा। तो देखो एडमिशन लेने के लिए सिंपल सा स्टेप है, आपको गेट एडमिशन को कॉल करना है, गेट एडमिशन को अप्रोच करना है आपके एडमिशन के लिए, क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब करें, बातचीत करें हमारे साथ ताकि हम आपके एडमिशन अच्छे से करा सके। एंड गेट एडमिशन और भी ढेर सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, आपका एडमिशन तो कराता ही आपके मनपसंद स्ट्रीम में, आपके मनपसंद कॉलेज में। इसी के साथ साथ आपको फ्री करियर काउंसलिंग, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की फैसिलिटी एंड आपको यहाँ पे लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी फैसिलिटी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल रही है, तो क्यों ना अप्रोच करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए, जरूर कॉल करें एक बार। एंड आगे बढ़ते हुए अगर मैं प्लेसमेंट सेल के बारे में इनकी बताऊं तो देखो हाईएस्ट पैकेज तो इनका भी 10 लाख अप्रोक्सीमेटली रहता है, ठीक है। बट वही मैंने जो आपको टॉप 5 ईयर्स का बताया
बताया था प्लान, वो इनका कुछ अच्छा खासा है। एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे 5 to 6 lakh आपका रहता है। एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट मैं बताऊँ, मतलब हर साल कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, तो 76% इनका वो स्कोर है, मतलब इनका परसेंट रेट है। अभी तक 236 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 40 कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं अपनी प्लेसमेंट ड्राइव को लेके, तो ये इनका प्लेसमेंट सेल है। आगे बढ़ते हुए स्कॉलरशिप बताऊँ, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने जेई मेन, IPSCET या फिर प्लस टू में अच्छा खासा स्कोर किया है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 50% और 75% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड एट लास्ट अगर मैं बताऊं कुछ की पॉइंट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठीक है, इतना बड़ा कैंपस नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि दिल्ली के अंदर है, तो आसपास का बहुत बड़ा एरिया आपके पास हो जाता है। मेट्रो की कनेक्टिविटी है एंड यहाँ पे आपको फुली AC क्लासरूम्स मिलेंगे, वाईफाई इनेबल कैंपस है, इनका लाइब्रेरी है, कैंटीन है, ऑडिटोरियम्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। IPU की यही एक ज़्यादा मतलब खासियत है, जो इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं एंड काफ़ी जल्दी जल्दी होती हैं, जिससे आपको पहले इंडस्ट्री एक्सपोजर थोड़ा सा पता चल जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।